सावरकर का नाम ले रहा। यहाँ हर किसी को फिक्र है तो बस अपनी राजनीति की। सभी एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बेटी हूँ इस देश की। क्या कोई है जो मेरा दर्द समझ सके? क्या कोई है जो मेरी सुरक्षा की बात करे? हर पल हर लम्हा मैं डर के साए से जूझ रही हूँ। अरे कोई तो आओ मेरी रक्षा की बात करो, कोई तो मुझे बचाओ, मेरा भी ख्याल करो। चिंता सब दिखाते हैं मेरी, कैंडल मार्च सब निकालेंगे, आक्रोश सब दिखाएंगे। कभी आप सत्ता में रहेंगे तो कभी कोई और, कोई वो आप पर आरोप लगाएंगे तो कभी आप उन पर इस सब में मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? इस बेटी की रक्षा पर ध्यान कौन देगा? पहले आपने कहा था दिल्ली रेप कैपिटल बन गई। दिल्ली को मानो बलात्कारियों की राजधानी बना दिया गया हो, ये स्थिति पैदा की गई। अब वो बोल रहे हैं कि आपके समय में रेप इन इंडिया है। हमने सोचा कि अखबारों में मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया दिखाई देगा, मगर आज जब हम अखबार खोलते हैं हमें सब जगह रेप इन इंडिया दिखाई देता है। ना मैं तब सुरक्षित थी और ना मैं अब तक सुरक्षित थी, ना मैं अब सुरक्षित हूँ। क्या कभी आप लोगों ने साथ मिलकर यह विचार किया कि अपनी बेटियों की रक्षा कैसी की जाए? कैसे बेटियों को इन हैवानों से बचाया जाए? आज देश में महिलाएं तो हर घर में हैं, लेकिन फिर भी सभी को हमारी सुरक्षा का ध्यान किसी घटना के हो जाने के बाद ही क्यों आता है? क्यों सारे मार्च मेरे आबरू लूटने के बाद ही होते हैं? ये बेटी आज रो रही है, सहम रही है, डर रही है। मेरी सुरक्षा पर ध्यान कब दिया जाएगा? इस बेटी की सुरक्षा को गंभीरता से कब लिया जाएगा? आखिर कब लिया जाएगा?